हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त टर्किश कबाब, जो बहुत ही टेस्टी है और बनने में भी बहुत आसान है, खाने में तो डबल ही टेस्टी है। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो टर्किश कबाब के लिए हमें चाहिए, ये मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन ले लिया है। तो इसको अभी हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और पहले एक टेबलस्पून हमने ये लहसुन अदरक डाल देना है इसके अंदर और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अभी इसे फाइन पेस्ट कर लेना है। अभी हमारा चिकन हमने अच्छे से पीस लिया है बहुत ही बारीक करके। इसको अभी हम इसको निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये टर्किश कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। इसके अंदर हम डाल रहे हैं, हमने ये कुटी मिर्च ली है 1 टेबलस्पून भर के, हमने लाल कुटी मिर्च ली है, लाल मिर्च पाउडर भी लिया है 1/2 टेबलस्पून, ये नमक है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपको जितना डालना है, ये हल्दी है, ये काली मिरी है, ये चाट मसाला है और ये गरम मसाला है और ये है जीरा पाउडर। तो सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये गया हमारा चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिरी, काली कुटी काली मिर्च भी ली है हमने फ्रेंड। तो इन सबको मसालों को अच्छे से, थोड़ा बहुत धनिया पत्ती डालेंगे इसके अंदर हम, और हम ये डालेंगे घी, घी लिया कुछ, थोड़ा फैट भी डालेंगे हम। और ये मैंने प्याज ली है, 3 छोटी प्याज ले ली है फ्रेंड्स। और ये एक टमाटर लिया है, उसको मैंने इसके सीड पूरे सीड आउट कर दिए, डीसीडेड कर दिए हैं और मुझे सिर्फ स्किन चाहिए। तो हम ये प्याज और ये पीसते हैं। अब ये प्याज हमने अच्छे से पीस ली है टमाटर के साथ। अब इसको हम अच्छे से स्क्वीज करेंगे, इसका जितना भी पानी है सब निकाल लेंगे अच्छे से, पूरा सूखा हम डालेंगे। देखिए कितना पानी निकला प्याज का, इसको हम फेंक देंगे। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए पूरा मसाला प्याज सब चली गई इसके अंदर, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हम। इसका मिश्रण कितना अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो हमने चाट मसाला डाला है वो इस टेस्ट को बहुत अच्छे से इनहेंस करता है। देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसको 1/2 आवर के लिए अंदर रखते हैं फ्रिज में, फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। अब इसको हमने अपने मसाले को हमने 1/2 आवर रख दिया था फ्रिज में, अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हम कबाब बनाते हैं। थोड़ा तेल लगा लेना है, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। आप अपनी मर्जी से जिस जो भी शेप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसकी मदद से हम इसको डिजाइन देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन से थोड़े हमारे कबाब खूबसूरत दिखेंगे। तो हमने ये डिजाइन दिया है कबाब में,
इसको हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे। देखिए हमारे कबाब सब रेडी हो गए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। इससे पहले हम इसकी चटनी बना लेते हैं, तो पहले इसकी को हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर इसको फ्राई करते हैं। तो अब हम चटनी पीस लेते हैं। तो इसके लिए हमें हमने हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, ये पुदीना, ये हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे और बर्फ डाल के इसे हम पीस लेंगे। तो हमारी चटनी रेडी हो गई है, रखते हैं और अपने कबाब को फ्राई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने कबाब को फ्राई करते हैं। ये तेल हमने ले लिया है, गरम हो गया है, तो इसको बिस्मिल्लाह करके डालते हैं। एयर फ्राई में भी कर सकते हो, पर मुझे कलर दिखाना था इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। तेल हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है फ्रेंड्स, बहुत फास्ट पे नहीं रखना है वरना हमारे कबाब अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है, इनको थोड़े पक जाएंगे तो इसको हम अलट पलट करेंगे। फिर अब हम ले लेंगे चटनी के लिए, हमने लिया है ये 2 टेबलस्पून हम दही ले लेंगे। दही में पानी नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। ये हमने हमारी हरी चटनी ले ली और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चटनी कबाब के साथ बहुत टेस्टी लगती है। कितने जूसी हमारे कबाब, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये टर्किश जबरदस्त कबाब बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, यम्मी है। आप लोग भी बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दीजिए अपना फीडबैक कि कैसे लगे थे ये मेरे कबाब।